अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्त यहाँ भेजेगा, उसको एक शोर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं या नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। कितने दिन रह गए वापस? थोड़ी दिन रह गए सर, फरवरी में। आई थिंक डेवलपिंग स्टोरी है अभी, ठीक है, लेट्स पुट दिस, डेवलपिंग स्टोरी है। आई रियली थिंक दैट यू नो बीसीसीआई को लेना देना नहीं इससे, इट इज़ अप टू द बीजेपी गवर्नमेंट, दे विल डिसाइड इन टाइम्स टू कम। हमारे बैकडोर चैनल से रब्ता तो रहेगा उनका, होता भी है जी, इवन डेज ऑफ वॉर भी रहता है। सो आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। वी नो दैट फॉर फैक्ट वन थिंग दैट 95% और 98% ऑफ द स्पॉन्सरशिप कम्स फ्रॉम फॉर आईसीसी कम्स फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान अगर इंडिया को लाने में कामयाब नहीं होता और किसी थर्ड जगह खेलने में कामयाब भी नहीं होता, दो चीज़ें होंगी, यू लूज अराउंड अबाउट $100 million ओके ऑफ द स्पॉन्सरशिप जो आईसीसी को जानी है और जो होस्टिंग कंट्री को आनी है, वन। सेकेंडली आई थिंक इट बी सो मच बेटर दैट इंडिया कम्स एंड प्ले इन पाकिस्तान, इन लाहौर अगेंस्ट इंडिया, विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान, और वाइस वर्सा, इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान, वुड बीन सो नाइस। बट इट्स रियली रियली अप टू द गवर्नमेंट्स, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद बीसीसीआई जी। विराट कोहली इज ट्राइंग टू प्ले इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, द होल पाकिस्तान वॉन्ट्स टू सी हिम इन पाकिस्तान, आई मीन इट वुड हैव बीन साइट, राइट? एग्जैक्टली, विराट अगर यहाँ पे आगे सो ना गिरे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए, लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। ट्रू, पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग सिनेरियो वर्ल्ड टूर्नामेंट, इट्स कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन, अगर ये हो जाता है ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट टू डेकेड्स। ऑलराइट, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, बट लेट्स सी, कीपिंग द फिंगर क्रॉस, विल वेट टिल द डिसीजन टिल द वेरी लास्ट मिनट। आई थिंक राइट नाउ स्टिल इफ यू आस्क मी, इंडिया स्टिल कमिंग टू पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्टर हो गए, ये लोग हो गए, कमर्शियल्स में बहुत पैसा, आईसीसी के पास बहुत पैसा, पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है, वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो, इनकी टांगे पकड़ो। अमित शाह तो बड़ा राइट विंग है उस पे, इसके जो अमित शाह वजीर दाखला जिसका बेटा लगा है उनके क्रिकेट बोर्ड का हेड, वो तो उस पर पर्चे हैं, उस पर खुद कहते हैं कांग्रेस वाले, तो मतलब हम नहीं कह रहे, मतलब मुलजिम है उसमें, उनका बेटा भी फिर इसी तरह का हार्ड लाइनर होगा और उसी सियासत को आगे बढ़ाएगा जो बीजेपी की सियासत है क्रिकेट में। देखिए मसला पता क्या है, अभी इस टाइम की जो जो गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, उसको उसको गौतम गंभीर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जय शाह भी वहीं का ही है, उनका जो वालिद है मेरे ख्याल वो भी उसी उसमें है, और इनके जाहिर पता है अगर जिस जगह पे सियासत हो फिर वही गवर्नमेंट के लोग भी वहां आके बैठते हैं, तो फिर आप मुझे खुद बता देना कि ये कैसे मानेगा, कैसे बोलेगा कि जी हम जो है अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो बात सीधी सीधी ये है, ये खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को, ये खुद खराब कर रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मशवरा ये देता हूं कि आप बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड ले रहे हैं। अगर आईसीसी कहता है कि भाई ये टूर्नामेंट जो है फिलहाल के लिए रोक देते हैं, वहां भी आईसीसी गलत है, और अगर आईसीसी आपको ये कहता है कि जी पाकिस्तान से निकाल कर किसी और मुल्क में चले जाते तो आप निकल जाए बीच से, आप पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा हक था, हम बिल्कुल उस पे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, और आईसीसी को भी बेइज्जत करो और बीसीसीआई को भी बेइज्जत करो कि भाई ये दोनों मिलके एक ही दोस्त बने हुए और ये दोनों मिलके सारी क्रिकेट जो खराब कर रहे, दुनिया की जितनी भी टीम्स है सब आने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में दुनिया की सारी टीम है, देखे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखी जाती है, ये लोग तो आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड जब एक दफा पहले आई थी, एक ईमेल उनको रिसीव हुई थी या जाली मेल थी उसमें भाग गए थे, ये तो मेलों में भाग जाते हैं, इनको सिक्योरिटी का इतना मसला होता है, ये टीमें दो दो दफा आ चुकी हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता उस लेकिन इस बार अगर हमने हाइब्रिड, अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माई व्यू।
जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है खेलने दीजिए, देखते हैं कैसे खेलते हैं, हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो ICC को बड़ी फिक्र लाहक है कि क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है, तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने वो नहीं हो पाएंगे, तो ICC को भी नुकसान होगा। बाय द वे 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में ICC की जो प्रेजिडेंसी वो भी भारत को जाने वाली है। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो ICC के सदर बनने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ICC भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो मेरी तजवीज़ तो यही होगी कि खुदा का खौफ कर लें इस वक्त, तो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तो इज्जत रहने दें। दो तीन सिनेरियोज बनते हैं, एक तो ये है कि आप ICC अब पता नहीं बात मानती है कि नहीं मानती, या वो बगैर भारत की शमूलियत के चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी काफ़ी अरसे के बाद हो रही है, 8-10 साल के बाद हो रही है, केस इसमें काफ़ी तातुल रहा है। तो अगर ये बात है तो अगर ना हो ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि हाइब्रिड पाकिस्तान को कभी नहीं मानना चाहिए कि जी भारत अपने मैचेस UAE में करवाए या श्रीलंका में करवाए, हमने एशिया कप में करके देख लिया बस, वन टाइम इज इनफ, अब हर बार भारत की बात नहीं माननी चाहिए। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, और बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है कि एक टीम इधर है फिर आप फ्लाई करके जाएं UAE, टैक्सिंग होता है टीम के प्लेयर्स के लिए। और फिर हमने देखिए बड़ी जायज तजावीज़ पेश की हैं कि भारत लाहौर में सारे मैचेस खेले अपने, हमने यहाँ तक उनको एकोमोडेट किया, और आप अगर नहीं रहना चाहते पाकिस्तान तो वापस वागा क्रॉस करके आप अमृतसर चले जाएं, डेढ़ घंटे की ड्राइव नहीं है वहां से, तो क्या फर्क पड़ता है आपको। तो ये भी उन्होंने नहीं मानी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त कतन कोई जरूरत नहीं है कि वो भारत को ओब्लाइज करे इन मामलों में, नहीं होता हाइब्रिड वो भी नहीं हो, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अगर वो कहते हैं कि जी पूरा टूर्नामेंट किसी और मुल्क में शिफ्ट कर लेते हैं हम UAE, पाकिस्तान को ये भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। सब क्यों आती जा रही है, हम किसी जमाने में क्रिकेट डिप्लोमेसी का सुनते थे कि भारत और पाकिस्तान में ताल्लुकात जब खराब होते थे तो क्रिकेट अटेंड करके सारे मामलात को सही कर लिया जाता था, आजकल मामलात ही क्रिकेट की वजह से खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बस इसलिए खराब हो रहे हैं कि इंडिया ने ट्रैवल पाकिस्तान करना था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को क्यों मिली है, ये सारी चीजें खराब करने ऐसे इशू बनाए जा रहे हैं। और इसमें जो मेरे ख्याल से टेक्निकल चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तर्जुमान ही बता सकता है, अगर ये जैसे आपने इंटरव्यू में बताया ये सारे रूट्स ट्रॉफी के थे तो ICC ने अप्रूव किए थे, तो मीडिया पे आए हैं बताए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया पे प्रेस रिलीज की है, तो ऐसे कम्प्लीट होना चाहिए। आगे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए इतना इशू बनाया हुआ है तो वो भी एक इशू है, अब ये एक नया इशू बन गया है, तो ऐसी चीजें क्यों करने दे रहे हैं? स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो अमन का पैगाम देता है, हर जगह भी जाए कहीं पे भी जाए और हमारे कश्मीर में जाए तो अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग क्या डिजर्व नहीं करते ट्रॉफी, अब उनके शहर में जाए मुजफ्फराबाद जैसे आपने बताया तो अच्छा भी लगना था और बड़ा खूबसूरत शहर भी है, दुनिया को भी पता चलना था कि हमारी साइड वाला जो कश्मीर है हमारा कश्मीर वो कितना खूबसूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट हमेशा मैं फिर बोलूंगा कि क्रिकेट ने बड़ा काम किया रिलेशन बेहतर करने का पाकिस्तान इंडिया का, मेरे ख्याल से दूसरी साइड से वो चाहते ही नहीं है कि रिलेशन बेहतर हो, ताल्लुकात बेहतर हो, और कोई किसी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज फ्लेक्सिबल होने का तो चांस ही नहीं ले रहे। तो आपको ऐसा लग रहा है कामरान के आने वाले टाइम्स में इस सियासत को देखते हुए और ये देखते हुए कि जयशंकर भी ICC के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, आने वाले टाइम्स में और ज्यादा ये फासले तो नहीं पड़ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के इतने कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर भी खटाई पड़ जाए? अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है, कल को कहीं इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। देखिए ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में, फिर इंडिया स्टांस ले ले तो ज्यादा बेहतर है, नहीं खेलना चाहते ना खेले, हमारी क्रिकेट क्या बंद हो जाएगी? अपने तीनों मैचेस वो पूल बी के अंदर जाकर इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और प्रॉब्ली तीसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी उनके साथ जाके दुबई में खेल ले, अगर इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान शायद पीछे हट जाए, ये एक लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद इन PCB या हुकूमत के साथ डिस्कशन जो जराए बता रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है ICC BCCI ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि फाइनल मैच भी पाकिस्तान से बाहर रखा जाए, इंडिया क्वालिफाई करे या ना करे। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक हाइब्रिड की लचक दिखा सकता है, ये डिस्कशन में, ये ऑप्शन में आ चुका है, लेकिन फाइनल पाकिस्तान कहता है कि अगर आप लोगों ने फाइनल की भी तलवार हमारी गर्दन पर चलाने की कोशिश की
तो फिर हम जो है वो हमारे हाथ खड़े हैं, हम फाइनल पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये खबरें गलत चलाई जा रही हैं कि जी ब्रॉडकास्टर्स हाइब्रिड मॉडल की जिद कर रहे हैं या ब्रॉडकास्टर दुबई या किसी और मुल्क में जाने की बात कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम भी पाकिस्तान में हो, और ब्रॉडकास्टर्स ये भी चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान हो। उसकी इमरान भी वजह क्या है, वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर 30 साल बाद टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट की रेटिंग, उसकी हाइप इतनी होगी कि ब्रॉडकास्टर्स को दुनिया के किसी और मुल्क में शायद इतना माइलेज ना मिले जो यहाँ पर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने से उनको मिलेगा। एंड बिल्कुल बिल्कुल एजाज, नॉट टू फॉरगेट के जो हमने स्केड्यूल भेजा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल भेजा था, उसमें तीनों मैचेस लाहौर के थे, मगर जब ब्रॉडकास्टर्स ने उसमें अमेंडमेंट की तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते थे कि एक मैच लाहौर में खेले इंडिया की टीम, एक पिंडी में खेले और फिर एक वापस लाहौर में आके खेले। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे शोएब अख्तर, तनवीर अहमद यही बातें कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आया तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो नहीं मिल पाएगा और चैंपियन ट्रॉफी इस तरीके से फ्लॉप हो जाएगी इंडियन सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है जैसा कि आपको पता ही होगा, और इसी के ऊपर जो पाकिस्तान मीडिया को पागल हो गई है, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि यहां पर सारी टीम आ रही है तो इंडिया क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, इंडिया पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh, oh, oh.